Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 7, Subject Gujarati, Nibandh. Vidyarthi Mitro, aje apne Nibandh vise janishu. Vidyarthi Mitro, tame 6th standard ma pan Nibandh lakhine avyasho. तो निबंध लगती वक्त अपने शू ध्यान में राखव जो विषय अपने जानीशू। तो के निबंध नो अर्थ है जे लखाण में कोई बंधन नहीं ते निबंध, परंतु विषय की बहार न जई आपेल विषय पर लखू तेने निबंध कहवाय। एटले के आनो मतलब ए थाय छे के आपणे जे पण विषय आपणे आप्यो होय एना विषे आपणे लखवानुं छे। जेम के कोई पक्षी विषे, टीचर्स विषे, तमने गमता कोई प्रिय त्यौहार विषे, तो आपणे एना ज विषे लखवानुं होय छे, तेने आपणे निबंधना अर्थमां लई शकीए छे। निबंध त्रण भागमां लखाय छे। नंबर एक, शरूआत, जेने आपणे प्रस्तावना रूपे ओळखीए छीए। नंबर बे, मध्य भाग, जेमा आपणे विषयने अनुरूप लखाण लखवानुं। नंबर त्रण, अंत, जेने आपणे उपसंहार तरीके ओळखीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आजनो आपणो निबंध छे टेलिविजनना लाभालाभ। टेलिविजन नी शोध विज्ञानी महान शोध छे। आ विज्ञानी नु नाम जोन लागी बायर्ड हतो। तेओ इंग्लैंड मा स्कॉटलैंड नामना एक प्रदेश मा रहता हता। आ शोधे मानव जीवन मा घणो परिवर्तन कर्यु छे। आजे घर घर मा टेलिविजन जोवा मळे छे। के विद्यार्थी मित्रों, आजे टेलिविजन छे एने तमे सौ जाणो छो। टेलिविजन एटले टीवी, के आपणे हमणा जोईए छे के आपणे बधी ज वस्तुने आपणे टेलिविजन ने द्वारा आपणे बधुं देश विदेशनी खबरो, आपणा देशमां शुं थई रह्युं छे, स्पोर्टमां शुं छे, ए बधी ज वस्तु आपणे टेलिविजन द्वारा आपणे जोई शकीए छे। कारण के टेलिविजन हवे बधानी ज जरूरियात थई गई छे। अने अहींया कह्युं छे के भाई टेलिविजननी शोध एक महान विज्ञानी जेमनुं नाम हतुं जॉन लागी बायर्ड, एमणे शोधी हती। तो ए टेलिविजन ना लाभ पण घणा छे अने एना नुकसान पण घणा छे, तो आपणे तेना विशे जोईशुं। टेलिविजन ने टूंकमां टीवी कहे छे। टीवी ना अनेक लाभ छे। टीवी द्वारा आपणे नाटक, फिल्म, नृत्य अने जुदा जुदा सांस्कृतिक कार्यक्रमों घरमां बैठा बैठा जोई शकीए छीए। आपणे क्रिकेट मैच के फूटबॉल मैच जोवा टिकीट खरीदी पड़ती नथी। सीधा प्रसारण द्वारा आपणे क्रिकेट, फूटबॉल, हॉकी, बेडमिंटन जेवी रमतो जोवानो आनंद घेर बैठा माणी शकीए छीए। बराबर के आपणे आ बधुं जे घरे आपणे बीजी जग्याए न जवुं पड़े अने खाली टीवी ऑन करीए के तरत आपणे आ बधुं ज जोई शकीए छीए। तेमां जे आपणी मनपसंद क्रिकेट छे, फूटबॉल वगैरे पण आपणे जोई शकीए छीए। तो के कहेवानो मतलब एवो छे के टीवी द्वारा आपणे बधी वस्तुनी मजा मळी शके छे। घरमां बैठा बैठा देश विदेशनी भौगोलिक माहिती मेळवी शकीए छीए। आपणे समाचार जोई सांभळी शकीए छीए। टीवीमां आवती जाहेरातो जोईने आपणे नवी नवी वस्तुओनो परिचय मेळवी शकीए छीए। टीवी कार्यक्रमो जोवामां આપણો નવરાશનો સમય પસાર થઈ જાય છે। બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણે દેશ વિદેશની સારી નડતી ભૌગોલિક એટલે કે જે નવી જૂની જે માહિતી છે તેના વિશે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ। ત્યાં શું છે, ત્યાં જોવાલાયક વસ્તુ શું છે તે પણ આપણે ના જઈએ તો પણ ઘરે બેઠા એને નિહાળી શકીએ છીએ। તો આપણે જો નવરા હોઈએ તો આપણને કંટાળો આવે, પણ જો આપણે ટીવીમાં કોઈ પ્રોગ્રામ જોવા બેસીએ તો આપણો તે સમય પણ સરસ રીતના વીતી જાય છે। તો આ થયા આપણા ટીવી દ્વારા લાભ। પણ વધારે પડતી ટીવી જોવાથી પણ આપણને શું નુકસાન થાય છે તેના વિશે પણ આપણે જાણીએ।
टीवी जोवाना केटला गैरलाभ पण छे। टीवीना केटला कार्यक्रमोनी बाळकोना मन पर अवळी असर पड़े छे। बाळकोनुं वांचन घटी जाय छे, तेमनामां मारामारी करवानुं प्रमाण वधे छे, बराबर ने? के आपणे भले गमे एटलुं टीवी जोईए पण आपणे ज्यारे पण टीवी जोईए तो सारी वस्तु हमेशा आपणे जोवी जोईए के जेना द्वारा आपणे कंईक शीखी शकीए का तो आपणे कंईक नवुं जाणी शकीए। परंतु ज्यारे पण टीवी उपर कंईक आपणे आपणी मन पर असर अवळी थती होय एवी वस्तु आपणे जोवी जोईए नहीं, कारण के आपणे जो एने वारंवार जोईशुं तो एनी आपणा मन पर घणी खराब असर थाय छे। माटे विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे पण आपणे टीवी पर कोई कार्यक्रम जोईए तो आपणे सारा एवो कार्यक्रम जोवो जोईए के जेना द्वारा आपणा अंदर कंईक नवुं टेलेंट ऊभुं थाय अने एना द्वारा आपणने कंईक नवुं शीखवा पण मळे। तो आपणे समयने ध्यानमां राखीने टीवी जोवुं होय तो तेनो पण समय राखवानो के आपणे केटलुं टीवी जोवुं जोईए जेना द्वारा आपणो जे तमे लोको भणो छो तेना पर अवळी असर न थाय तेनुं खास ध्यान राखवुं जोईए। तेमनी आँखो नबळी थई जाय छे, टीवी सामे मात्र बेसी रहेवानुं होवाथी शरीरनुं आरोग्य पण बगड़े छे। मेचना दिवसे केटलाक बाळको निशाळे ज जता नथी, केटलीक ऑफिसोमां कर्मचारीओ कामकाज पड़तुं मूकीने टीवी जोया करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जो आपणे वधारे पड़तुं जो टीवी जोईए तो एनी आपणा शरीर पर खूब ज खोटी असर थाय छे। आपणी आँखो नबळी पड़ी जाय छे, आपणे एक ज जग्या पर बेसी रहीए तेना कारणे आपणुं शरीरनुं जे आरोग्य छे ते पण बगड़े छे। एना द्वारा आपणे वधारे पड़तुं टीवी पण जोवुं जोईए नहीं। पछी बाळको तो ठीक, पण केटलाक लोको जे मोटा छे ते लोको पण शुं करे छे, ए लोको ऑफिसमां जता नथी अने एना द्वारा एमनुं पोतानुं काम पण बगड़े छे। तो बाळकोए पण पोतानुं काम व्यवस्थित करवुं जोईए, निशाळे व्यवस्थित आवुं जोईए अने जे आपणा जे मनपसंद प्रोग्राम छे तेने समय फाळवीने के भाई आपणे आटलाथी आटला टाइममां टीवी जोवानुं छे ए रीतना आपणे विचारीने कार्य करवुं जोईए के जेना द्वारा आपणुं बीजुं काम बगड़े नहीं। टीवी पर आवता कार्यक्रमोमांथी आपणे मर्यादित कार्यक्रमो ज जोवा जोईए। आपणे टीवीनो समजपूर्वक मर्यादित उपयोग करवो जोईए के बराबर ने विद्यार्थी मित्रों? के कोई पण वस्तु जो आपणे वधारे पड़तुं एने ओवर करीए तो ते आपणा माटे नुकसानकारक छे। के कोई दिवस आपणे वधारे पड़तुं जमवानुं जमी लईए तो आपणे पेटमां दुखवा लागे, तो वधारे पड़तुं आपणे कोई बीजू कार्य करी लईए तो तेना द्वारा आपणा शरीरमां कंईक ऊंधी असर थाय छे। तो एना कारणे आपणे कई पण वस्तु करीए तो तेने मर्यादामां रहीने करवुं जोईए के जेना द्वारा आपणा जे आपणा रोजनो जे रोजिंदो कार्यक्रम छे एना ऊपर कई आडअसर थाय नहीं। जेम के तमे तो हमणां नाना छो तो पछी भणवा ऊपर असर ना थाय, तमारुं होमवर्क व्यवस्थित थाय, तमारी आँख ऊपर एनी खोटी असर ना पड़े, शरीर तमारुं नबळुं ना पड़े तेनुं खास ध्यान राखवुं जोईए। एटला माटे अहींया कह्युं छे के भाई आपणे समजपूर्वक मर्यादित आपणे टीवीनो उपयोग करवो जोईए। कोईक लोको आपणे जोईए छे के कार्टून जुए छे अने ए कार्टून तो आपणा खाली मनोरंजन माटे छे, पण कोईक वार शुं थाय छे के नाना नाना बाळकोने एना ऊपर खूब ज खोटी असर थाय छे अने जे कार्टूनमां जेम मारामारी करता होय एवी रीतना बाळको पण एकबीजा साथे मारामारी करता होय छे। माटे विद्यार्थी मित्रों, आपणे हमेशा ज्यारे पण टीवी जोईए तो एने मर्यादित रीतना जोवी जोईए जेना कारणे तमारुं भणતર અને તમારું શરીર પણ સારું રહે।